हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे फ्रॉम प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स क्लास 9 आईसीएसई फ्रॉम कंसाइंस फिजिक्स एक्सरसाइज 8A के न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, द हार्ट ऑफ अ मैन बीट्स 75 टाइम्स इन अ मिनट, मतलब इन वन मिनट। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड। ये क्या है? ये है आपका 75 वाइब्रेशन इन वन मिनट, मतलब 75 वाइब्रेशन इन 60 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन होगा? तो फ्रीक्वेंसी होगा 75/60। यूनिटरी मेथड भैया, 60 सेकेंड में इतना वाइब्रेशन, तो एक सेकेंड में कितना होगा? That is 15 fives, 15 fours, that's 1.25 hertz। ठीक है, एकदम सही है। अच्छे, इसका पार्ट टू भी है, उसमें क्या बोला हमें निकालने? The time period। अब हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। टाइम पीरियड रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/frequency। हो गया 1/frequency, क्या था? 5/4, 5 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब 0.8 सेकेंड। सही है? बिल्कुल सही है। चल, बहुत इजी भाई है। नंबर टू यहीं पर देख लेते हैं, बहुत जगह है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड हमें 2 सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। फिर से यही रिलेशन यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 hertz, या पर सेकेंड भी आप बोल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी विल बी 0.5 hertz। ठीक है, बिल्कुल सही है। चल नंबर थ्री देखते हैं। नंबर थ्री देख लेते हैं। द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव इज 100 meter। इफ वेव वेलोसिटी इज 20 meter per second, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। सबसे पहले याद करो, ये रहा आपका ट्रांसवर्स वेव, ये है क्रेस्ट और ये है ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 100 meter। और वेवलेंथ का डेफिनेशन याद है आपको? लैम्डा। ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ, जो कि यहां पे है 100 meter। सही है। और वेव वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 20 meter per second। बोला गया फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो अभी अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा था, v इक्वल्स टू f लैम्डा, विच मींस f इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, विच इज इक्वल टू 20 divided by 100, दैट्स 0.2 hertz। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। बड़ा इजी था, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए था कि टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो दूरी है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। चलो, ये था नंबर थ्री। नंबर फोर इधर ही कर लेते हैं, देखते क्या दिया हुआ है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 0.3 meter per second एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 hertz। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। अब हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? एरिया ऑफ कंप्रेशन होता है, फिर रेयर फ्रैक्शन होता है कि नहीं? और दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कहते हैं। मतलब हमें वेवलेंथ निकालना है। रिलेशन सेम यूज होगा, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? v बाई एफ। वी क्या है भाई हमारा? 0.3/20। ये मीटर में है ना, सो सेंटीमीटर में कर लो, इजी होगा। तो 0.3 × 100/20, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1.5 सेंटीमीटर। सही है। चल, बड़ा इजी था, सेम लॉजिक था यहां पे, सेम फॉर्मूला था। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए आपको।
डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अगेन योर लैम्डा। ठीक है, चलो नंबर फाइव देखते हैं। अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 40 क्रेस्ट एंड 40 ट्रफ्स इन 0.4 सेकेंड, मतलब 0.4 सेकेंड में आप कह सकते हो कि 40 कंप्लीट वेव्स बना है। चलो और दे आस्किंग व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट वेव फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। सही है, अब देख लो 40 क्रेस्ट 40 ट्रफ मतलब 40 कंप्लीट वेव्स, तो 0.4 सेकेंड में आपके 40 वेव्स बने हैं, है कि नहीं, यानी कि 1 सेकेंड में आपके 40/0.4 वेव्स बनेंगे, है कि नहीं, जो कि हो जाएगा मेरा 100 वेव्स। तो 1 सेकेंड में 100 वेव्स बन रहे हैं कंप्लीट वेव्स, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 100 हर्ट्ज ही तो होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, और एक वाइब्रेशन में एक कंप्लीट वेव बन जाएगा भाई, समझ रहे हो, यस यही आंसर था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहीं पर बड़ा इसी समय यहां पे। एन ऑब्जर्वर ए फायर्स अ गन एंड अनदर ऑब्जर्वर बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1650 मीटर, एक दूसरा ऑब्जर्वर है, हियर्स इट्स साउंड, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम व्हेन बी विल हियर द साउंड आफ्टर फायरिंग बाय ए, टाइम निकालना, सिंपल लॉजिक, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम था ना फॉर्मूला, तो वहां से टाइम क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही था ना, निकाल लो 1650 यही तो सिंपल सम था, बाय 330 हो गया, क्योंकि मेरा 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड बाद बी पे जो खड़ा है ऑब्जर्वर बी जो है वो उस आवाज को सुन पाएगा, सिंपल सम था। ठीक है, चलो ये था नंबर 6, इस वीडियो में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले सम्स देखेंगे, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और जो थ्योरी पोर्शन है इसका उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।